नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे न्यूज स्टेट और पहाड़ समाचार, लेकर मैं आपके साथ आशीष पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हरिद्वार की बड़ी खबर से, जहां महा मकर संक्रांति का मुख्य स्नान आज देखने को मिल रहा है। हर की पैड़ी में श्रद्धालुओं का तांता लगा है। सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था इसको लेकर दुरुस्त है। तो मकर संक्रांति का आज दूसरा दिन, इस बार की जो मकर संक्रांति है वो 14 और 15 तारीख को पड़ी है और आज जो है दूसरा दिन है। और आस्था की डुबकी, श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जो है हर की पैड़ी पर देखने को मिल रहा है। गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं का सैलाब जो है वो उमड़ा है। सुबह 7:17 से लेकर 9:05 तक महापुण्यकाल है और वही शाम 5 बजे तक पुण्यकाल का समय, जिसमें लोग आज दान पुण्य कर सकते हैं। श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हैं। पहाड़ की अधिशास्त्री मां धार्य देवी की देव डोली हरिद्वार पहुंची। भक्तों ने देव डोली का जोरदार स्वागत किया। हरिद्वार में ही देव डोली का रात्रि विश्राम हुआ। आज मकर संक्रांति के मौके पर ब्रह्म मुहूर्त में हर की पैड़ी पर देव डोली का स्नान होगा। बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी देव डोली के साथ हरिद्वार पहुंचे। बागेश्वर में उत्तरायणी मेले का आगाज हुआ। बड़ी खबर आपको बता रहे, सीएम धामी ने मेले का शुभारंभ किया है। प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी हैं पुष्कर सिंह धामी ने। बड़ी खबर, बागेश्वर में उत्तरायणी मेले का आगाज हो चुका है। सीएम धामी ने मेले का शुभारंभ किया और इस दौरान वो प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी है। बागेश्वर में मकर संक्रांति के मौके पर उत्तरायणी मेले का आगाज हो गया है। सीएम धामी ने देहरादून से वर्चुअली इस मेले का शुभारंभ किया।